आप लोग सब जानते हैं मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था और मैंने रीअप्लाई करने के लिए जून लास्ट ईयर में दिया था, एप्लीकेशन दी थी। एंड कल जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी कोर्ट डेट थी। एंड मैं कुछ फैक्ट्स पहले आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जो कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उनका नाम देविंदर है, उनने कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया और साथ में सीआईडी ने भी मिसलीड किया है। जैसा कि आप जानते हैं मुझे ये पासपोर्ट इश्यू किया गया है और ये एक 2 साल का पासपोर्ट है। दिस इज द 2 ईयर पासपोर्ट और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में ये कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है उनका नाम शमसी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीजन हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है और ये 2 साल का पासपोर्ट इश्यू करने के लिए भी मेरे लिए मेरे नाम पे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया। और ये सीक्रेट एक्ट तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट एस्पियोनाज यानी जासूसी का कोई चार्ज हो। और जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है सीआईडी ने, सबसे पहले तो सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनका पासपोर्ट नहीं रोक रहे हैं, हम इल्तिजा का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। आई एम नॉट एंटाइटल टू अ पासपोर्ट क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी मदर है, आई एम एंटाइटल टू अ पासपोर्ट बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन। आप मुझे खुद बताइए मैंने कोई कानून तोड़ा है? जो ये देविंदर जी हैं जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने सीआईडी से खुद पूछा कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जशीट है, कोई एफआईआर है? और आप लोग जर्नलिस्ट हैं आप सारे जाके प्लीज पता करवाइए मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं, क्या मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई चार्जशीट है, तो मेरा कसूर क्या है? और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है जो यहाँ की जनता है उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बात बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी में देख लीजिए। 2 महीने पहले इरफान महराज करके एक जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल 14 के लिए लिखते हैं, उनने एक पीस लिखा अबाउट 3 पीपल 3 years ago हु वर शॉट इन अ फेक एनकाउंटर, जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ब्रिगेडियर को चार्ज भी किया है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लास्ट मंथ उनको यूएपीए के अंडर दिल्ली ले गई एनआईए। जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीजें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया, यहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं है, जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आई थिंक 1 महीने पहले मैं यहाँ आई और बहुत सारे जर्नलिस्ट से मेरी उनसे बात हुई एपेक्स कैंप के बारे में, तो यहाँ दांगलियां चल रही हैं, यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, यंग लड़के 2019 से लेकर अब तक उनपे यूएपीए लग रहा है, यूएपीए यहाँ थोप के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और जो सीआईडी है वो इसमें एक बहुत गंदा रोल प्ले कर रही है क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे यहाँ पे लोगों से उनका गुजारा उनका लाइवलीहुड छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है, पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, क्या मैं नीरव मोदी हूँ, क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ, क्या मैं टेररिस्ट हूँ, मैं देशद्रोही हूँ? अगर मैं मरकजी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूँ तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना होगा क्या? आई मीन मेरा कसूर क्या है? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट रोक दिया गया है, आपको नो फ्लाई लिस्ट पे रखा गया है। तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक अब नॉर्मल सी इम्पोज की गई है सब पे,
तो कोई अपना मुंह खोलता है, जबान अभी चलाई नहीं होती है, तो आके आपको पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। और जो सीआईडी है यहाँ, वो एक बहुत गंदा किरदार प्ले कर रही है। 2 हफ्ते पहले उनने कोर्ट में ये झूठ बोला कि हमने इसका पासपोर्ट नहीं रोका हुआ है, आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए। और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारे डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, उनने कोर्ट में झूठ बोला, जुडिशरी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। क्योंकि वरना तो मैंने पासपोर्ट रीएप्लीकेशन के लिए जून में दिया था, तो कल जाके इनने जल्दी जल्दी क्यों डिस्पैच किया? क्योंकि ये जानती थी कि कोर्ट मेरा केस लेगी एंड द कोर्ट विल इंश्योर दैट दे गेट मोर देन अ रैप ऑन देयर नकल्स, और इनको मेरा पासपोर्ट इश्यू करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, बात मेरी ही नहीं है, मैं बाकी लोगों के लिए भी बात करती हूँ। यहाँ जो चल रहा है, जो धांधली चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, जाके देखिए आज जम्मू में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्कैम चल रहा है। जम्मू में लोग आ गए हैं, यंग हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे ऑल अनएम्प्लॉयड। जेएनके में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज क्रॉस 40%। तो यहाँ आपने मुंह खोल के आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जबान तो इसीलिए दी है ना इंसानों को कि आप बात करें, जो जाहिर बात है वो आप बोले, परसीव करें, आप में इंसाइट है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, पासपोर्ट ही मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? बात करना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना एज एन इंडियन सिटीजन, दीज आर माई फंडामेंटल राइट्स। तो आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि कोई मैं हार्डन क्रिमिनल हूं, मैं नीरव मोदी हूं? क्या मैंने बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूं? क्या मैं कोई कॉन मैन हूं? मैं किरण पटेल हूं? जो कॉन मैन आते हैं किरण पटेल जैसे जी, उनको तो सीआईडी लाल बत्ती के साथ पूरा बंदोबस्त सिक्योरिटी का करके आप उनको अच्छे से लाल टोपी वाली सलाम करते हैं। तो मेरी क्या गलती है आप मुझे बताइए? और कश्मीरियों का क्या कसूर है यहाँ पे? तो हमने बात हम ये कहते हैं कि यहाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। खुर्रम परवेज, फहाद शाह, सजाद गुल, इरफान महराज, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? जम्मू कश्मीर को आप कितनी देर के लिए ऐसे ओपन एयर प्रिजन में तब्दील करना चाहते हैं? कितनी देर आप लोगों को ऐसे रखेंगे डरा डरा के? तो आज मैं आके आपसे बात करना चाहती थी, बिकॉज इस चीज पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है, और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर है दविंदर जी, वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, आई लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं? क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है, उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए, क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं, तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो देखें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है और जो सीआईडी है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, वो उनको मिसलीड कर रहे हैं। और बात ये बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, जम्मू कश्मीर में वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, स्टूडेंट्स हो, एक्टिविस्ट हो, वो सब सफर कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज ऑब्वियस है, जो सच्चाई है, वो हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से पनिश किया जा रहा है। तो आई बिलीव ये मुफ्ती खानदान जो है, महबूबा जी मेरी मदर है, ये हमारा एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपना मुंह खोलेंगे, जो आप पे जुल्म हो रहा है, आप पे अत्याचार हो रहा है, अगर आप उसके बारे में अपनी जबान खोलेंगे, तो हम आप पे या तो यूएपीए डाल देंगे, या आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिया जाएंगे, या अगर आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियां भी आप देखिए कितने कश्मीरी जवानों को उनकी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स कि आपका किस कोई फलाना फलाना मिलिटेंट था एक्साइजी, आपका उसके साथ कोई रिलेशन था। तो कश्मीरीज आर सफरिंग एवरी डे, और अगर आप जो उनपे जुल्म हो रहा है, अगर आप उसके बारे में वोकल भी होते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है, योर राइट टू एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक हुकूक भी आपसे छीने जा रहे हैं,
तो ये जो मरकजी सरकार यहाँ इतने ढोल बजाती है कि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रही है? ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे नहीं लगती है। व्हाट आर वी बीइंग पनिश्ड फॉर? सो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहती थी। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग डिसग्रेस एंड डिसरेप्यूट टू देयर ऑफिस। कोर्ट में झूठ 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 बोल बोल के लोगों को हरास कर करके, जैसे नाजी जर्मनी में जेस्टापो थी एक पुलिस की विंग जो जूस को यहूदीज को प्रोसिक्यूट करती थी, पनिश करती थी, हरास करती थी, वैसे ही सीआईडी का अब यहाँ एक ही काम है, और वो काम है कि यहाँ के कश्मीरियों को कैसे पीसा जाए, उनको प्रोसिक्यूट कैसे किया जाए, उनको जॉब से कैसे निकाला जाए, उन पे यूएपीए कैसे लगाया जाए। हाल ही में ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी भी अब वेरिफिकेशन होगी। क्यों आपको हम पे भरोसा नहीं है? हम क्या है, हम यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं? किसी की भी कश्मीरी पे आपको भरोसा नहीं है? तो इसलिए आके मैं आपसे बात करना चाहती थी। एंड प्लीज लेट्स, जब आप मेरे से सवाल भी पूछेंगे तो लेट्स जस्ट कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस टॉपिक। देखिए, जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है, वो कल उनने मेरे लॉयर पे प्रेशर डाला कि मैं ये पिटिशन विड्रॉ करूं। मैं ये पिटिशन किसी भी हाल में विड्रॉ नहीं करूंगी, क्योंकि